चलिए स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस सेट ऑफ वर्ड वैसे आप मेरे साथ बहुत जगह सुन चुके हैं एक एग्जांपल के तौर पर सपोज आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है उससे आपको इनकम हुई दस लाख रुपए की और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आपको लॉस हुआ ढाई लाख रुपए का तो आप क्या करते हैं दस लाख रुपए की इनकम है या ढाई लाख का लॉस है तो इसे आपस में सेट ऑफ करते हैं और अपनी इनकम दिखाते हैं साढ़े सात लाख रूपए ये सुनो देखिए अब यहां पर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के साथ ही सेट ऑफ किया ये सोनो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा हेड इंट्रा हेड मतलब सेम हेड के अंदर समझ में आई बात जिसको हम दूसरे सेंस में बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड मतलब उसी हेड के अंदर किसी और सोर्स से इनकम आ रही है उसी हेड में किसी और सोर्स से इनकम जैसे यहां पर हाउस प्रॉपर्टी में आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम यह है और एक सोर्स ऑफ इनकम यह है दो है ना Yes no? तो इसीलिए दूसरा नाम इसका दे दिया जाता है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड पूरा एक ही नाम है या शॉर्ट फॉर्म में इंटर हेड बोलते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं अंडर दिस एडजस्टमेंट लॉस फ्रॉम वन सोर्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स विद इन द सेम हेड सेम हेड के अंदर एक इनकम को एक सोर्स ऑफ इनकम को दूसरे सोर्स ऑफ लॉस के साथ आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। और जब देखिए इनकम की हम बात करते हैं तो इनकम इंक्लूड्स बोथ प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस। समझ में बात शो। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है क्या एक्सेप्शन है जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है बड़े ध्यान से देखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है एसटीसीजी से वो सेट ऑफ नहीं हो सकता देखो दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों ही सीजी हेड के अंदर हैं और कायदे से एज ए जनरल रूल इंट्रा हेड के अंदर एक सोर्स दूसरे सोर्स से सेट ऑफ हो सकता है लेकिन देर सर्टिन एक्सेप्शन एल टी सी जी को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंद से ही सेट ऑफ होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल से सेट ऑफ नहीं हो सकता example के तौर पे अगर आपको पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया आठ लाख का और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया पांच लाख का तो आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते आपको पांच लाख पे टैक्स देना पड़ेगा समझ में सेम वे स्पेकुलेशन बिजनेस स्पेकुलेटिव बिजनेस पीजीबीपी में पढ़ा था स्पेकुलेटिव बिजनेस का अगर लॉस है तो इसको आप सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो अपने जनरल बिजनेस या नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते देखिए सारी बातें हमने कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट हेड में डिस्कस भी की हुई सिर्फ एक ओवरव्यू है आप सारी चीजों को कंबाइन कर रहे हैं और कुछ नहीं समझ में आ गया इसके बाद है लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्सेस कौन कौन से से हेड में है याद करो अदर सोर्सेज में पढ़ा था तो अगर आपको लॉस हुआ है ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से तो उसको सेट ऑफ आप इनकम फ्रॉम सच बिजनेस उसी के प्रॉफिट से आप उसे सेट ऑफ कर सकते और किसी से नहीं कर सकते सेम वे अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है जो आप में पढ़ के आए हैं वो सेट ऑफ हो सकते हैं सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही अपने नॉर्मल बिजनेस स्पेकुलेटिव बिजनेस किसी और बिजनेस से सिंपल वे में वो सेट ऑफ नहीं हो सकते तो देखिए मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है अगर एक ही हेड के अंदर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो आप एक के लॉस को दूसरे के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ चार एक्सेप्शन है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ एल से होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं होगा स्पेकुलेटिव बिजनेस सिर्फ स्पेकुलेटिव से होगा नॉर्मल से नहीं होगा लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ मेंटेनिंग रेस सोर्सेस ये अदर सोर्सेज की इनकम है ठीक है लेकिन ये अदर के किसी और सोर्स ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकती सिर्फ उसी से सेट ऑफ होगी और 35 फाइव एडी का अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है तो वो फाइव एडी के स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस से ही सेट ऑफ हो सकता है समझ में आई बात फटाफट इसको एक बार पढ़ लीजिए चलिए अब हम बात करते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट की इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या होती है एक हेड की इनकम को दूसरे हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ करना समझ में एक बात। जैसे सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूं, मुझे से लिखने दो एक बार सपोज आपके पास सैलरी हेड में इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो आप उनको भी आपस में सेट ऑफ कर सकते हो देखो सबसे पहले आप करते हो इंट्रा हेड इंट्रा हेड क्या होता है कोशिश करते हो कि सेम हेड के अंदर ही सेट ऑफ हो जाए पहली कोशिश फिर सेकेंड कोशिश आपकी होती है कि इंटर हेड हो जाए अगर सेम हेड के अंदर नहीं हो रहा तो दूसरे हेड के साथ आपका सेट ऑफ हो जाए और अगर यह भी फेल हो जाता है तो फिर तीसरी चीज आती है कैरी फॉरवर्ड कि चलो इस साल आप सेट ऑफ नहीं कर पाए अगले साल जो है आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर लो अगले साल इनकम होगी तब सेट ऑफ कर देना ये एक सीक्वेंस होता है चलो इसमें आप देखते हैं अंडर दिस एडजस्टमेंट स्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड एग्जाम्पल के तौर पर लॉस अंडर द हेड पी जी बी पी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ये अलग हेड है ये अलग हेड है उन सपोज इसके अंदर आपको लॉस आया यहां आपको इनकम आई आपस में सेट ऑफ कर लिया कैपिटल गेन से भी आप सेट ऑफ कर सकते हो अदर सोर्सेस से भी कर सकते हो सेम वे लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर पीजीबीपी कैपिटल गेन सैलरी अदर सोर्सेस तो ये अलाउड एक हेड की इनकम को दूसरे हेड के लॉस के साथ आप सेट ऑफ कर लो लेकिन देर आर सर्टेन एक्सेप्शन वट आर दीज एक्सेप्शन बड़े ध्यान से देखिए अगर लॉस हुआ है अंडर हेड कैपिटल गेन्स तो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड आप कैपिटल गेन में अगर लॉस हुआ है तो उसको पीजीबीपी सैलरी हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते लॉसेस अंडर द हेड पीजीबीपी एंड अन एब्जॉर्बड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम अगर पी हेड में लॉस हुआ है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको आप सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते ये एक्चुअली इसके पीछे कारण था सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या हो रहा था लोग जॉब करते थे सैलरी आती थी फिर वो दिखा देते थे कि हमारा एक पार्ट टाइम बिजनेस भी है ठीक है और दिखा देते थे, थे, थे सैलरी क्लास वाले की जी हम तो जॉब करके आते हैं उसके बाद पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं और उसमें हमें लॉस होता है और फिर वो सैलरी और लॉस को सेट ऑफ करते थे और अपनी टैक्स लाइबिलिटी बचाते थे तो उन्होंने बता दिया कि भैया लॉस हुआ है पीजीबीपी में तो उसे आप सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते ये डिपार्टमेंट नहीं बैठ के सोचता ये तो जब असेसी प्लानिंग करता है ना तो उसको ब्रेक करने के लिए डिपार्टमेंट प्रोविजन बनाता है नेक्स्ट है लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन एक्सेस ऑफ रुपीज टू लैक आर नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड अगर दो लाख रुपए से ऊपर का लॉस है हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो सिर्फ आप दो लाख रुपए तक का जो लॉस है वो किसी और हेड से एडजस्ट कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से देखिए सपोज हाउस प्रॉपर्टी है उससे इनकम आ रही है एक लाख दूसरे से लॉस है साढ़े तीन लाख तो आप सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करोगे एक लाख साढ़े तीन लाख तो आपका लॉस बचा अभी भी कितना ढाई लाख यहाँ साढ़े तीन था लाख था तो ढाई लाख का बचा अब सपोज आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी उस पर आपको कैपिटल गेन हुआ चार लाख रूपए का ठीक है कैपिटल गेन कितने का हुआ चार लाख रुपए का हुआ चार लाख अब देखो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो आप दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो कैपिटल गेन में इनकम है आप इससे सेट ऑफ कर सकते हो लेकिन यहाँ ढाई लाख का और डिपार्टमेंट कितना कहता है मैक्सिमम दो लाख तो सिर्फ दो लाख रुपए आप सेट ऑफ कर पाओगे मतलब इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन आपकी दो लाख रुपए मांगी जाएगी देखो एक चीज यहां समझो लॉस अगर है कैपिटल गेन में तो वो किसी और हेड में से सेट ऑफ नहीं हो सकता लेकिन आप इस चीज को समझना प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज लॉस अंडर सी जी कैन नॉट बी सेट ऑफ लेकिन अगर इनकम है सी जी में और किसी और दूसरे हेड में लॉस है तो वो तो आपस में सेट ऑफ अलाउड है आप मेरी बात समझ रहे प्लीज बड़े ध्यान से देखिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसमें। प्रॉफिट्स के साथ दूसरे हेड के लॉस सेट ऑफ हो सकते सीजी हाँ, में लॉस है तो वो दूसरे हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता सेम वे पीजीबीपी पी का लॉस है तो सैलरी के साथ वो सेट ऑफ नहीं हो सकता एक बात बताओ सैलरी के अंदर कभी लॉस हो सकता है सैलरी में तो हमेशा इनकम ही होगी तो वाइसा वर्षा पॉसिबल ही नहीं हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है दो लाख रुपए से ऊपर का तो सिर्फ दो लाख रुपए तक का सेट ऑफ अलाउड है लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है और दूसरे हेड में लॉस है आप समझ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है और दूसरे हेड में से पीजीबीपी पी में लॉस है तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिस्ट्रिक्शन कब है जब लॉस हाउस प्रॉपर्टी का है तो रिस्ट्रिक्शन है ये इतनी डेप्थ में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए समझ में फटाफट इसको अच्छे से पढ़ लीजिए चलिए अब बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड की तो देखिए हमने देखा सबसे पहले हम इंटर हेट करेंगे फिर इंटर हेट करेंगे और दोनों ही अगर पॉसिबिलिटी नहीं निकल के आती है तो फिर हम अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है क्या अगर जैसे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो टू सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब देखो एक सिंपल सी चीज समझो अगर आप सेम ईयर के अंदर सेम प्रीवियस ईयर के अंदर सेट ऑफ करते हो तो उसमें तो आप इंट्रा हेड करते हो सबसे पहले और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो इंटर हेड करते हो ठीक है लेकिन बड़े ध्यान से समझना अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया ठीक है से नेक्स्ट ईयर आप सेट ऑफ करना चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर जो सेट ऑफ मिलता है वो सेम हेड में ही मिलता है किसी और हेड से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते मतलब नेक्स्ट ईयर जो है आपको इंट्रा हेड सेट ऑफ ही करना पड़ता है इसीलिए लिखा है कैरी फॉरवर्ड टू सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगर हाउस प्रॉपर्टी का है और कैरी फॉरवर्ड किया गया तो अगले साल वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ हो सकता है किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता सेम वे बिजनेस लॉस है तो बिजनेस इनकम से हो सकता है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है स्पेकुलेटिव से हो सकता है स्पेसिफाइड का स्पेसिफाइड से लॉस अंडर हेट कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो दोनों से हो सकता है देखो ये तो आपने पढ़ा ही था मेरे साथ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ एल से सेट ऑफ होता है एस टी सी एल जो है वो एस टी और LTCG दोनों से हो सकता है same way, loss of and maintaining उसी से होगा। तो याद रखना अगर कैरी फॉरवर्ड किया है तो उस केस के अंदर जो इंट्रा हेड है वो ही अलाउड है इंटर हेड अलाउड नहीं है जब आप स्पेशल पॉइंट्स में आओगे तो पॉइंट नंबर थ्री में बात लिखी है सेम हेड एंड इनकम Under different head, but previous year brought forward losses can be set off against only income within the same head, ठीक है? चलिए, अब कितने साल तक carry forward कर सकते हो? तो house property का loss 8 साल तक, business loss 8 साल, speculative 4 साल, business specified business losses है infinite year, कोई restriction नहीं है। uh, Capital losses हैं, capital gain के 8 साल तक, owning and maintaining है 4 साल तक। क्या loss की return file करना mandatory है? तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में मैंडेटरी नहीं है बाकी केस में अगर आपको सेट ऑफ लेना है तो आपको लॉस की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी समझ में एक बात शो बिजनेस लॉस है मतलब जनरल बिजनेस लॉस है नॉर्मल बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ बिजनेस इज डिस्कटिन्यूड तो भी आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और फ्यूचर में कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उससे सेट ऑफ कर सकते हो लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय द सेम पर्सन हु हैज इनकर्ड द लॉस एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन सेवनटी एट सीधी सी भाषा में अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं ही इन फ्यूचर उस लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूं सपोज वो मैंने बिजनेस बेच दिया किसी और व्यक्ति पर चला गया तो उसको अलाउड नहीं है हाँ कुछ सेक्शन सेवनटी एट के अंदर रिलेक्सेशन है बट वो हमारे कोर्स का भी पार्ट नहीं है फिर एल टी सी लॉस केन ऑन शेयर्स ऑन विच एस टी टी बी पेड एट बोथ एक्विजीशन इन सेल कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एल टी सी जी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है शेयर्स पे जिसपे आपने एस टी टी पे किया है तो आप उसे एल टी सी जी सेट ऑफ कर सकते हो एक्चुअली इसलिए लिखा पहले क्या होता था एल टी सी जी जो होता था शेयर्स का वो एग्जेप्ट होता था पहले एल टी सी जी शेयर्स का एग्जेप्ट होता था ये अभी इन्होंने इसे टैक्सेबल कर दिया पहले ये एग्जेम हुआ करता था तो अब एक्चुअली क्या होता है अगर कोई इनकम एग्जेम्ट तो उसके लॉस का कोई सेट ऑफ नहीं मिलता अगर एग्जैमट है बट अब एल टीसी क्या हो गया है टेक्सीबल हो गया है तो अगर इसका लॉस होगा तो फिर उसका भी सेट ऑफ मिल जाएगा ठीक है फिर हॉर्स रेस का मतलब हॉर्स रेस अपॉन विच वेजरिंग एंड बेटिंग में भी लॉफुली मेड जब आप यहां पे बात करते हैं हॉर्स की तो इसका मतलब वही जो अदर सोर्सेस में आपने पढ़ा था इसके बाद सीक्वेंस क्या है ये हमने देख ही लिया

Undisclosed सोर्सेस ये आप जब हाई लेवल पे टैक्स पढ़ते हैं होता क्या है जब रेड पड़ती है इनकम टैक्स की और उसमें कुछ कैश मिलता है घर पे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के कागज मिलते हैं जिसको आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो नहीं किया तो उसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम अनडिस्कलोज सोर्स वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बता रहे इनकम फ्रॉम अनडिस्कलोज सोर्स का बात है जब डिपार्टमेंट आके पकड़ ले और सिंपली जब रेड होती है तब पकड़ा जाता है तो उस केस में अगर कोई आप पे किसी हेड में लॉस है और आप सोचो कि वो अनडिस्कलोज सोर्स की इनकम जो डिपार्टमेंट को पता लगे उसे सेट ऑफ कर ले तो ये अलाउड नहीं है वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर इसलिए बता दिया थर्ड हमने देख लिया फोर्थ सेट ऑफ इज नॉट अलाउड अगेंस्ट एनी इनकम इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी कार्ड गेम्स गैम्बलिंग बेटिंग एटसेट्रा लॉस फ्रॉम अ सोर्स द इनकम फ्रॉम विच इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखें अगर आपको लॉस हुआ लॉटरी कार्ड गेम गैम्बलिंग में कोई सेट ऑफ किसी भी हेड से नहीं मिलता और अगर आपको किसी ऐसे सोर्स का लॉस हुआ है जिसकी इनकम है तो उसका कोई आपको सेट ऑफ नहीं मिलता जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि पहले जो होता था एल शेयर्स पे एग्जेप्ट होता था तो उस केस के अंदर क्या होता था एल अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता था शेयर्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता था किसके ऊपर शेयर्स के ऊपर तो उसका कोई सेट ऑफ जो है वो अलाउड नहीं होता था तो ऐसे कोई भी इनकम हो सकती है अगर मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल तो कई बार क्या होता है गवर्नमेंट जो है कुछ स्पेसिफिक बिजनेस को डिक्लेयर कर देती कि आठ साल तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में अगर आपको किसी तरह का लॉस होता है तो फिर आपको सेट ऑफ नहीं मिलता क्यों क्योंकि उसकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो इसी के साथ आपका ये बड़ा सिंपल सा स्वीट सा चैप्टर ओवर होता है कोई भी बुक का क्वेश्चन अब आप निकाल के कर लीजिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी